यादों में अब चैन कहाँ है, बस तुझको ही हर पल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टैग चौन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फुल स्क्रीन वाला एक ट्रेंडिंग बार्स इफेक्ट वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है। तो दोस्तों इस तरह का जो स्टेटस है यार बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल में चल रहा है इस टाइम। जितने भी शॉर्ट वीडियो के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स हो गया और फेसबुक हो गया और यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो ऑप्शन हो गया और जितने भी बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं शॉर्ट वीडियो के, सभी पे इस तरह का स्टेटस वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल में चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और पूरा देखिएगा तभी आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इसको बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए और सबसे पहले हम लोग एवी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर आप सबके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो ये वाला एप्लीकेशन आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, यही वाला एप्लीकेशन आप सबको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो सब भी आपको यहाँ स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया गया है कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करने के बाद इस वाले एप्लीकेशन को हम लोग कर लेंगे ओपन। सो दोस्तों इसको जब हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे हमारे सामने आएगा। तो इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो बॉक्स जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डाउनलोड का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। तो जो हम लोग रिसेंट में डाउनलोड करते हैं वो कुछ इस तरह से उसका फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इधर से हम लोग उस वाले फीचराइजर को यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसका लिंक आप सबको टेलीग्राम चैनल और वीडियो का डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, जो अभी आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप सब लोग अपने फाइल मैनेजर में जाना और विजुअलाइजर को जो अभी आप लोग डाउनलोड किए रहेंगे उसका जो नाम है चेंज करके अपने फाइल मैनेजर में सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप लोग उस वाले विजुअलाइजर को ऐड करना, तभी ये यहाँ पर ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एवी प्लेयर ऐप है दोस्तों लेटेस्ट वर्जन न्यू वर्जन है। तो सबसे पहले विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद उसका नाम चेंज करके सेव करना अपने फाइल मैनेजर में। उसके बाद इधर से आप लोग उस विजुअलाइजर को ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं फटाफट से उस वाले विजुअलाइजर को ऐड कर लेता हूँ। विजुअलाइजर को ऐड करने के बाद ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बार पैक करेंगे। उसके बाद आप सबको ऊपर में राइट साइड में एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे में योर इमेज वन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद राइट साइड इमेज पे क्लिक करना और कस्टम इमेज पे क्लिक करना और पीक इमेज पे क्लिक करके आप लोग अपने फोल्डर से उस वाली इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना, जिस वाली इमेज पे आप लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो। और एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो यार इमेज है वो फुल स्क्रीन में होना चाहिए, उसका जो साइज़ है 9:60 होना चाहिए, ठीक है, 9:16 होना चाहिए, ठीक है, फुल स्क्रीन वाला जो होता है। अगर आपको साइज चेंज करना नहीं आता तो मैं बता दूं कैसे चेंज करना है। पिक्सल लैब या फिर पिक्सआर्ट, कोई भी जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है फोटो एडिटिंग का, उससे आप लोग कर सकते हो, जाके वहाँ से उसका साइज चेंज कर लेना। उसके बाद इधर से आप लोग उस वाली फ़ोटो को आप लोग अपने फोल्डर से ऐड कर लेना। तो इधर से मैं उस वाली फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो शो नहीं होगा, तो फोटो को शो करने के लिए इस वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरेटेड एल्बम आर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आप सबको फर्स्ट में एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा जो कि एनेबल रहेगा, टिक रहेगा, तो इसको यहाँ पे हम लोग अनटिक कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है, इसको डिसेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरल का, इस जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पोजीशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो दो डॉट यहाँ पे दिखाई देंगी, एक फर्स्ट पे रहेगा और एक सेकंड पे रहेगा। तो फर्स्ट वाली डॉट को हम लोग कुछ इस तरह से राइट साइड में लेके आएंगे,
लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 500 यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये जो काउंट है 500 यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो इसको 500 तक आप लोग लेके आना राइट साइड में, उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको क्लोज करना, इसको क्लोज करना और पैक कर देना। इसको पैक करने के बाद अभी आप सबको इमेज के नीचे में पार्टिकल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पार्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद राइट साइड यहाँ पर जनरल पर क्लिक करना और यहाँ पर एक विजुअल का छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ से टिक कर देना, इसको एनेबल करना, उसके बाद इसको क्लोज करना और पैक कर देना। इसको पैक करने के बाद जस्ट उसके नीचे पर एक ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और सेम उसी तरीके से जनरल पे क्लिक करना और छोटा सा बॉक्स मिलेगा, इसको आप लोग टिक कर देना। एनेबल करने के बाद इसको क्लोज करेंगे और पैक कर देंगे। सो दोस्तों, इसको पैक करने के बाद अभी आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है और पार्टिकल्स के नीचे में एक इमेज कलर PNG 1 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद राइट साइड में सबसे नीचे में आप सबको जनरेटेड एल्बम आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक छोटा सा बॉक्स टिक रहेगा, एनेबल रहेगा, तो इसको यहाँ पे आप लोग अनटिक कर देना, डिसेबल कर देना कुछ इस तरह से। इसको डिसेबल करने के बाद इसको क्लोज करेंगे और बैक कर देंगे। सो दोस्तों, इसको यहाँ पे बैक करने के बाद उसी के जस्ट नीचे में एक और इमेज कलर PNG 2 का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद सेम उसी तरीके से जनरेटेड एल्बम आर्ट पे क्लिक करना और जो बॉक्स टिक है इसको अनटिक कर देना। इसको अनटिक करने के बाद इसको क्लोज करेंगे और बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा नीचे आना है और कंपोजिशन 1 के नीचे में एक और इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर लिखा रहेगा योर इमेज 2, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड इमेज पे क्लिक करना और कस्टम इमेज पे क्लिक करना और पिक इमेज पे क्लिक करके अपने फोल्डर से आप लोग उसी वाली इमेज को इधर ऐड कर लेना जो अभी आप लोग स्टार्टिंग में अपने मॉडल की फ़ोटो को यहाँ पे ऐड किया था, सेम वही वाली फ़ोटो को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो इसको फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इमेज को ऐड करने के बाद इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ पे इमेज को क्लोज करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड में जनरेटेड एल्बम आर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो थर्ड नंबर पे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है छोटा सा बॉक्स, इसको यहाँ पे हम लोग अनटिक कर देंगे, इसको डिसेबल करेंगे। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और पैक कर देंगे। सो दोस्तों, इसको पैक करने के बाद अभी आप सबको सबसे नीचे में एक ऑप्शन और मिल जाएगा टेक्स्ट चैनल नेम का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सबको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा अपीयरेंस का, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा YouTube VIP टैग जॉन, तो इस पर क्लिक करना और फिर से मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे मेरे चैनल का नाम जो है इधर से आप लोग रिमूव कर देना। उसके बाद आप लोग अपने इधर YouTube चैनल का यहाँ पे नेम लिख लेना या फिर अपना Facebook या फिर Instagram या फिर गूगल ID आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो या फिर अपना नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करना और इसको क्लोज करना और यहाँ से बैक कर देना और एक बार बैक करना और आप लोग आ जाना इधर अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद आप सबको इधर लेफ्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करना और इधर आप लोग अपने फोल्डर से एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना जिस वाले सॉन्ग पर आप लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो। तो दोस्तों, इधर से मैंने एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। इस वाले सॉन्ग का लिंक आप सबको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना। सॉन्ग को ऐड करने के बाद फिर से हम लोग इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ विजुअलाइजर पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पे आइकन रहेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आप सबको इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक छोटा सा एरो का तीर का आइकन मिल जाएगा, तो इस पर आप लोग क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी मेन सेटिंग को करेंगे, जिसको करने के बाद हमारा जो स्टेटस है यार वो फुल स्क्रीन में सेव हो जाएगा। अगर आप लोग ये वाली सेटिंग को नहीं करते तो आपका जो स्टेटस है यार वो फुल स्क्रीन में सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरी ये आप सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस वाली सेटिंग को करने के लिए इधर आप सबको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो वीडियो फिथ का ऑप्शन है फर्स्ट में रहेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इसमें जो भी लिखा रहेगा उसको रिमूव कर देना और यहाँ पर लिख देना 1080x1080। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, तो इस पर क्लिक करना और सेम उसी तरीके से इस पर भी आप लोग इसको रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिख देना 1920 1920, ऊपर में 1000 से नीचे में 1920। उसके बाद यहाँ से आप लोग डन कर देना और सबसे नीचे में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों, ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद हमारा जो स्टेटस है यार हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों की वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और अपनी इसी तरह की एक नई और ट्रेंडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।